हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ हरियाली पीच का श्रृंगार शेयर करने जा रही हूँ इस समय, और शाम तक जो है वो हरियाली पीच का वीडियो मैं शूट कर लूँगी, सो वो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सबसे पहले आपको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर इस हरियाली तीज का जो हरा रंग है, या जो सावन का हरा रंग है, ये रंग आपके जीवन में ज़रूर भरे सुख समृद्धि ऐश्वर्य लाए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। सो सबसे पहले मैं आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन करवा दूँ, चूँकि हरियाली तीज के पावन पर्व पर इनका दर्शन बड़ा ही शुभ होता है। ईश्वर के तो खैर हर रूप में दर्शन बहुत शुभ होते हैं, लेकिन जब कुछ विशेष हो और उस दिन ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो जाए तो पूरा दिन ही बदल जाता है। सो कुछ ऐसे ऐसे तो भाव हैं। चलिए अब मैं आपको दर्शन करवाती हूँ, और ये श्रृंगार मैं करके नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे अभी अभी हम लोग बहुत नज़दीक में ही शिफ्टिंग से फुर्सत हुए हैं, और चूँकि अभी यहाँ जैसे ही शिफ्टिंग कम्प्लीट हुई वैसे फेस्टिवल शुरू हो गए, तो अभी हम लोग फेस्टिवल में उलझे हुए हैं। और मैं आपको हरियाली तीज का ब्लॉग दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा, और जितनी खूबसूरत सजावट हम दोनों ने मिलके की है, कहते नहीं एक एक कली एक एक फूल अपने हाथों से चुन चुन के मंदिर में लगाया है, बहुत मेहनत हुई है। सो आप उसे ज़रूर देखिएगा, वीडियो ज़रूर आएगी। सो हरियाली तीज का ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, बहुत मेहनत हुई है, पति देव ने उसमें बहुत मेहनत की, एक एक छोटी से छोटी कली भी जो है ना उन्होंने अपने हाथ से उसको ठीक करके और फिर उन्होंने अपने हाथों से लगाया। सो उसको ज़रूर देखिएगा, जब अपने हाथों से कोई काम होता है ना उसमें भाव और प्रेम ही अलग होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको जो है वो बिहारी जी के चरण कमल के दर्शन कर लें, और ये जो है वो श्रृंगार इनका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, बहुत ज़्यादा अद्भुत। सो थैंक यू सो मच शगुन महाराज जी को, उन्होंने इतने प्यार से इतने भाव के साथ ये पोशाक बनाई और हमें ये पोशाक भेजी। जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि इनके भाव और प्रेम जो भगवान के प्रति है ना वो बहुत ही अलग किस्म के हैं, एक अलग ही भावना और एक अलग ही प्यार जो है वो झलकता है। बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है राधा रानी का। सो कहाँ से शुरू करूँ, पहले राधा रानी का ही दिखा देती हूँ। सो ये देखिए, जब हमने ये श्रृंगार किया था तो मुझे नहीं पता था कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाएंगी। मैंने इस श्रृंगार में राधा रानी को ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनाई हैं, जैसे मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी है बिल्कुल ऐसे ही मैंने राधा रानी को भी ग्रीन कलर की चूड़ी पहनाई है। सावन में तो वैसे भी जो है नई दुल्हन जो है वो हरी चूड़ियाँ पहनती है, लेकिन हमारे यहाँ हरियाली तीज पर पहन लेते हैं, मैं तो पूरे सावन भर पहनती हूँ। सो वैसे मैंने इन्हें हरी रंग की चूड़ियाँ पहनाई हैं, ये देखिए नज़रिया कहीं और चला, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मैंने दुपट्टा वेयर करा है, ग्रीन कलर की अंगूठी पहनी है, कुंदन का एक सेट पहनाया है, ये कमरबंद आपने देखा होगा जन्माष्टमी पर वही है, दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बहुत ही स्टाइलिश शाइन का ब्लाउज है, चेहरे पर मुस्कान देखें, मुखमंडल पर जो मुस्कान है ना वो बिल्कुल दिल में समा जाती है। सो कुछ ऐसी सी इनकी मुस्कान है। सो ये ब्लाउज बहुत स्टाइलिश है, और इसकी बद्दी ना जो रिबिन है वो पीछे इसके गले के चोकर के वजह से छुप गई है, बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज है और बहुत ही कमाल की इसकी फिटिंग आती है। और शगुन महाराज जी चूँकि हर ब्लाउज़ को जो है थोड़ा सा ढीला छोड़ देती है ताकि मैं उसे अपने अनुसार पहना सकूँ, सो ये उनकी सबसे ख़ास बात है। और इसके बाद ये देखिए खैर हमारी राधा रानी के मुखमंडल के तो क्या ही कहने, देख के ही आंसू आ जाते हैं, क्या ही कह सकते हैं। और ये जो है हमने इनको, ये लाइटिंग की प्रॉब्लम है, ये जो है वो लाइटिंग की प्रॉब्लम है। सो ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आप देख रहे हैं माथे पर हमने इन्हें लगाया हुआ है तेजकरण, ये हमने घर में बनाया था, और जब ये बना था आप यकीन करिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इतना परफेक्टली और इस ड्रेस से एकदम हूबहू मैच का बनेगा। सो इसका कलर जब मैंने पहनाया था, हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम्हारी शगुन महाराज जी की पहले बात हुई थी ना, तुम झूठ बोल रही हो ना। मैं कह नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, वो जानती हैं बहुत अच्छे से। मैं वो मुझसे कभी कभी कहती भी, दीदी कलर कॉम्बिनेशन बताइए, मैं बस सोचती रहती हूँ, तब तक तो वो सोच के बना भी देते हैं, ईश्वर उन्हें पहले ही आदेश दे देते हैं। तो मुझसे कह रहे थे श्रेया तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पहले पता था कि इस कलर की पोशाक आनी है। मैं उनको बोला, मैं कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था, बस ये इस कलर में बन गया, वो ईश्वर की मर्जी थी, उन्हें पहनना था भाई तो उन्होंने अपने लिए बनवा लिया। अच्छा, ये चोकर भी हम लोगों ने घर में ही तैयार किया, बहुत ही प्यारी सी ग्रीन कलर की हमारी राधा रानी ने बिंदी लगाई, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। अब चलते हैं हम ठाकुर जी की तरफ, तो ये देखें
नहीं तो ठाकुर जी कह रहे हमारे हमें तो कुछ पूछ ही नहीं रहा, सब अपना अपना बोले जा रहे हैं, कोई हमें भी तो पूछ लो। तो ये देखें ठाकुर जी ने तो चांदी के पायल जो है पहले ही धारण कर रखे थे, और ये मैंने कई सारी अंगूठी डिफरेंट वे में पहनाई थी, वो कुछ ना हिल गई हैं, क्योंकि अभी ने दूसरे स्थान पर बैठाऊंगी मैं मंदिर से। सो इसीलिए मैंने कहा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। और ये देखें ये हमारी बिहारी जी का श्रृंगार है, बहुत ही डिफरेंट वे में मैंने पगड़ी बांधी। सब लोग कह रहे थे दीदी कुछ ऐसी पगड़ी दिखाई जो एकदम हैवी लगे देखने में और हो एकदम लाइट, तो बस कुछ ऐसा सा ही है, बिल्कुल ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं जो इनके कानों के पीछे लगे हैं, ये हमने घर में तैयार किए इस हार के साथ, ये हार हमने दोनों लोगों के लिए बनाए थे। तो ठाकुर जी के कानों का हमने तैयार किया, ये हमारे ठाकुर जी की मुस्कान का क्या कहना, बहुत ही कमाल की है। यही वो मुस्कान है जो लोग एक बार नज़रें मिलाते हैं ना तो दिल और नज़र दोनों अपने पास रख लेती हैं। तो ये हमने कुछ इस टाइप का मोरपंख लगाया, ये अटैचमेंट घर के बने हुए लगे हुए हैं। ये मैंने एक लेस बांधी हुई है, मेरे पास एक लेस रखी थी, वही लेस मैंने बिहारी जी को जो है लगाई है। और ये जो तो मैंने आपको पहले भी वाली डिज़ाइन दिखाई है कैसे बनाई थी मैंने, जो छोटे वाले अपने ठाकुर जी थे उन पर। और ये एक ग्रीन कलर की पसमाला रखी थी, इनके लिए लाई थी और बहुत पहले से रखी हुई थी, तो वो मैंने इन्हें पहनाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। शगुन जी ने इस पोशाक के साथ दो दुपट्टे भेजे थे, खैर वो अब हर पोशाक के साथ दो दुपट्टे भेजती हैं। सो एक ये यहाँ से आया है और ऐसे मैंने डिफरेंट वे में दुपट्टा वेयर कराया है, और एक ही दुपट्टा खुला और इसे मैं बहुत स्टाइल से वेयर कराने वाली हूँ। सो हरियाली तीज का वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर से वॉच करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत हुई है, कमाल की मेहनत हुई है, कमाल की डेकोरेशन हुई है। चूँकि वो डेकोरेशन हम लोगों ने एक अलग तरफ की है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ आपको, तो उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को हमारी राधा रानी को, ठाकुर जी को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए, अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे बाय बाय। और एक बात और चाहती जाती, जो मांग टीका है ना, इसका जो कलर है ना ये हल्का सा येलो टोन पर है और ये इनके लहंगे के साथ एकदम परफेक्ट जाता है, तो इसका कॉम्बिनेशन जो है ना इस ड्रेस को कंप्लीट कर गया। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू सो मच शगुन मेहरा जी को, वन सेकेंड थैंक यू। और हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।